मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त है जब औरतों को अपनी सेहत का पहले से कहीं ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी हालत में बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव है सांस का फूलना या फिर सांस का चढ़ना। ऐसी परिस्थिति होने पर चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। वैसे तो ये समस्या कई औरतों की प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक ही होती है, लेकिन कई औरतों को इस परेशानी से पूरे 9 महीने तक गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों की वजह से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इस हार्मोन का असर सांस तंत्रों पर पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। वहीं अगर सांस संबंधी कोई भी बीमारी आपको प्रेगनेंसी से पहले रह चुकी है तो आपको इस बात के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इस समस्या से लड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम आपको पहले ये बता देते हैं कि गर्भधारण में सांस फूलने या चढ़ने का कोई इलाज नहीं है और इससे आपके बच्चे के विकास पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करें तो आप सांस फूलने की समस्या को कंट्रोल ज़रूर कर सकती हैं। जब भी सांस फूले तो आप लगभग 20 मिनट तक रिलैक्स होकर बैठ जाएं और गहरी सांस लें। ज़्यादा भारी भरकम या थकावट वाली चीज़ों से परहेज करें। एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठे या खड़े ना रहें। थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन बदलते रहें। सोते वक्त सिर के नीचे एक एक्स्ट्रा तकिया रखें, जिससे आपका सिर ऊँचा रहेगा और आपकी सांसें नॉर्मल रहेंगी। प्रेगनेंसी में योगा क्लासेस ज्वाइन करें, ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। इन सभी बातों से आपकी सांस संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन टिप्स की मदद से आपको सांस फूलने या चढ़ने की समस्या लगातार बनी रहती है तो ऐसे में जांच करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी के इस खुशनुमा पल को जी भर कर जिएं। इसी खास जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।